हेलो स्टूडेंट। तो आज था 6 मार्च 2020 और आज इंग्लिश पेपर था जिसमें हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको पार्ट सी कंप्लीट कर दिए थे। आज चलिए देखते हैं जो पोयम क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन थे 6 नंबर के, उनको आप कितने नंबर सही कर पाए हैं। तो जो ये पोयम आया था सेक्शन डी में आया था, है ना, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। जो भी पोयम दिया रहता है उसके बहुत ही इजी आंसर रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द बर्ड शॉट। शॉट मतलब होता है चिल्लाना, है ना, शॉट मतलब हल्ला करना, शोर करना। तो इसका सेम वर्ड मतलब यहाँ पर आपको सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो इसका हो जाएगा क्राई। क्राई का मतलब भी होता है चिल्लाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द श्योरेस्ट। श्योरेस्ट मतलब आपको कड़वापन, है ना, तो इसका होगा अपोजिट होगा मीठापन, तो स्वीटेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए यहां से आपको केवल अपने शब्द से ही आंसर देना है। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो इससे समझ में आता है। जैसे गिव द नेम ऑफ द पोयम, तो आपके ये जो आपका पोयम दिया है तो इसमें पोयम का नाम क्या था, तो ये आपके बुक्स का है, तो इस पोयम का नाम था इन द कंट्री, CONTRY, कंट्री, इन द कंट्री, तो ये आपको लिखना होता है। तो इसी दो नंबर तो आप यदि थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो आसानी से क्लियर कर पाते हैं, और केवल एक नंबर रहता है वो टेक्स्ट बुक से आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो पोयम बी में देखना है कि ये पोयम दे के रखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज आई इन दिस लाइन, मतलब ये जो आपका लाइन है इसमें आई का अर्थ क्या है, तो ये फॉरेस्ट से है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, फॉरेस्ट से, क्योंकि जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट से है। द अपोजिट वर्ड इज द फ्री, फ्री मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, तो इसका अपोजिट होगा कैप्टिव। मैंने एक वीडियो बनाया था अपोजिट वर्ड की जिसमें से एक नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ पोएट, तो पोएट का नाम बताना था, तो जलालुद्दीन रूमी, ये जलालुद्दीन रूमी है पोएट का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे। किसको पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।